हेलो फ्रेंड्स, मैं सरल सात्विक टीम की तरफ से आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक स्पेशल रेसिपी जो आप उन दिनों में बना सकते हैं जब आपका खाना बनाने का मन नहीं करता। ये है एक वन पॉट मील और इसको एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए मैं इस रेसिपी को बेक करूंगी। अक्सर हमने देखा है जब भी बात बेकिंग की आती है हम बहुत हेजिटेट करते हैं और हमें लगता है या तो वो ब्रेड होगी या केक होगा, लेकिन आप इस रेसिपी को एंड तक जरूर देखिए और जानिए हम इसको कैसे इजीली स्टेप बाय स्टेप मेथड को फॉलो करते हुए अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को सर्व करेंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी, यानी कि मैक्रोनी पास्ता। बट यहाँ आपको व्हाइट सॉस बनाने की झंझट नहीं करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं कैसे हम एक ही बार में एक ही पॉट में हम इस कंप्लीट पास्ता डिश को बनाएंगे। ये रेसिपी बच्चों की फेवरेट तो है ही और हम इसको इतने हेल्दी वे में बनाएंगे कि बड़े भी इसे रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसा कि हम इस पास्ता को बनाएंगे एक वन पॉट मील, तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है, आप पैन ले लीजिएगा और उसमें मैं डाल रही हूँ करीब एक टेबल स्पून ऑलिव ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं या ऑलिव ऑयल यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं पहले उन कुछ सब्जियों को सौते करूंगी और यहाँ मैंने इसमें ऐड करी है थोड़ी सी बीन्स जिनको मैंने थोड़ा छोटा छोटा चॉप किया है। इसमें ऐड करूंगी मैं थोड़ी सी गाजर, ये मैंने ऑरेंज कैरेट ली है, अगर आपको ये अवेलेबल नहीं है तो फिर आप रेड कैरेट भी ले सकते हैं। आप इस पास्ता रेसिपी में अगर आपका सब्जी भी काटने का मन नहीं है और आप बहुत ज्यादा लो फील कर रहे हैं तो आप इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सिर्फ पीज और कॉर्न से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, तब भी ये बहुत ही अमेजिंग और टेस्टी बनेगी। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक जिससे कि ये बहुत जल्दी और क्विकली कुक हो जाए। मैं इसको कवर करके सिर्फ 2 मिनट के लिए कुक करूंगी। अभी हमारे बीन्स और गाजर हल्के कुक हो गए हैं, इस टाइम पे मैं इसमें ऐड करूंगी ग्रीन कैप्सिकम, येलो बेल पेपर और थोड़े से रेड बेल पेपर। आपको लग रहा होगा मैं इसमें ज्यादा सब्जियां यूज कर रही हूँ, लेकिन ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। मैंने जैसा कि बताया मैं इसको थोड़ा सुपर हेल्दी वे में बना रही हूँ, इसलिए मैं ये सब सब्जियां इसमें ऐड कर रही हूँ जो कि रिच हैं फाइबर में और एंटीऑक्सीडेंट्स में। और ये है बच्चों की फेवरेट रेसिपी, तो आप जिसमें जितनी सब्जियां डालेंगे उतना ज्यादा पौष्टिक ये बनेगी बच्चों के लिए। साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़े से स्वीट कॉर्न, ये फ्रोजन स्वीट कॉर्न नहीं है, अगर आपके पास फ्रोजन है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सिर्फ हार्डली 1 to 2 मिनट्स के लिए हम इसको कुक करेंगे क्योंकि हम फर्दर भी इन वेजिटेबल्स को कुक करेंगे। हमारी सब्जियां थोड़ी सी सौते हो गई हैं, इस टाइम पे मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टेबल स्पून बटर और इसको हम थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। अगर आपने इस बेक पास्ता को विंटर्स में एक सूप के साथ सर्व किया तो आपकी एक कंप्लीट मील भी हो जाएगी और बहुत ही क्विक और टेस्टी आपका डिनर या लंच रेडी हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं बटर हमारा मेल्ट हो गया है। इसी टाइम पे मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर और इसको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, यानी कि जो कच्चापन है मैदा का उसको हम बस निकाल देंगे। तो हार्डली आपको बस 30 सेकेंड्स के लिए इसको रोस्ट करना है। तो सब्जियों के साथ ही हमारी जो मैदा है वो रोस्ट हो जाएगी, आपको अलग से व्हाइट सॉस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे मिल्क, इसको हम चलाएंगे। अगर आपने पहले व्हाइट सॉस बनाई होगी तो अगर आपने उसमें अच्छे से बटर नहीं डाला है तो लम्स बनने के चांसेस रहते हैं मैदा के, और अक्सर मैंने देखा है कि लोगों की जो व्हाइट सॉस होती है उसमें काफी लम्स रह जाते हैं और वो बहुत स्मूथ टेक्सचर की नहीं होती है। बट अगर आप इस तरह से व्हाइट सॉस बनाएंगे सब्जियों के साथ ही मैदा को 1 मिनट के लिए कुक कर लेंगे तो आपकी वो प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। मैं आधा कप दूध और डाल रही हूँ, तो टोटल मैंने 1.5 कप दूध डाला है। इसको हम एक अच्छा सा बॉईल आने देंगे, तो
फुल आपको क्लीन कर लें। यहाँ पर जो मैं मैक्रोनी इसमें यूज करूंगी, ये मैंने बॉम्बिनो की मैक्रोनी को अच्छे से बॉईल करके और ठंडे पानी से वॉश करके इसको अच्छे से ठंडा कर लिया है, आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छी लग रही है और बिल्कुल भी मशी नहीं है। तो आपको बहुत करेक्ट टाइम तक इसको बॉईल करना है, बहुत ज्यादा ओवर कुक नहीं करना है, क्योंकि हम इसको फर्दर कुक भी करेंगे और थोड़ा बेक भी करेंगे। तो जब तक जब ये 70% कुक हो जाए तभी आपको फ्लेम ऑफ करके और इसको ठंडे पानी से स्ट्रेन करके अच्छे से वॉश करके और इसको अच्छे से कम्प्लीटली ठंडा कर लेना। आप देख सकते हैं कितना स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर हमारा रेडी हुआ है व्हाइट सॉस का। इसी टाइम पे इसको थोड़ा चीजी फ्लेवर देने के लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पे चीज स्लाइस। आप इसकी जगह मोजरेला चीज भी यूज कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे चीज स्लाइस यूज कर रही हूँ। आप अमूल का, मदर डेरी, व्हिचएवर ब्रांड यू यूज, आप उसका चीज स्लाइस यूज कर सकते हैं। इसको हम एक बार स्टिर करेंगे सभी चीजों को। यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ इसमें सॉल्ट। सॉल्ट हमने थोड़ा सा सब्जियों में डाला था और जब मैंने मैक्रोनी बॉईल करी थी तब भी मैंने थोड़ा सॉल्ट ऐड किया था उसमें। तो आप उस हिसाब से सॉल्ट को एडजस्ट कर लें अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अब मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ी सी हर्ब्स। तो यहाँ मेरे पास है ड्राइड ओरिगानो। ये मिक्स्ड हर्ब्स नहीं है, ये कम्प्लीटली ड्राइड ओरिगानो है, ये इस फॉर्म में आता है। तो मैं इन लीव्स को अच्छे से क्रश करके ऐड कर दूंगी। यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी रोजमेरी, तो अगर आपके पास है तो आप इसको डालिएगा। और थोड़े से मैं इसमें ऐड करूंगी चिली फ्लेक्स। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मैक्रोनी। आप ये ध्यान रखिएगा कि आप सॉस में सारी चीजें ऐड कर दीजिएगा, हर्ब्स भी, सॉल्ट भी, जिससे कि जो आपकी मैक्रोनी है वो इवनली कोट हो जाए। हमारी मैक्रोनी कुक हो रही है तब तक हम दूसरे गैस पे, आप देखिए मैंने कढ़ाई को प्री हीटिंग के लिए लगा दिया है जिसमें मैंने सिर्फ सॉल्ट ऐड करा है और लिड क्लोज करके हम इसको सिम फ्लेम पे प्री हीट करेंगे 10 मिनट के लिए। तो बाय द टाइम हमारी मैक्रोनी रेडी होगी हमारी जो कढ़ाई है वो प्री हीट हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि जो मैक्रोनी है उसकी कंसिस्टेंसी काफी थिक है तो आप दूध को ऐड करके उसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा लिक्विडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस मैक्रोनी को नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए इसको थोड़ा बेक भी करना है। तो हम चाहते नहीं है कि ये बहुत ज्यादा ड्राई और स्टिकी हो जाए, तो इसलिए मॉइस्चर इसमें सस्टेन रहना चाहिए। फ्रेंड्स, मैंने मैक्रोनी की एक और रेसिपी, बहुत ही क्विक रेसिपी डाली हुई है, नॉन स्टिकी मैक्रोनी इन 5 मिनट्स, जो कि बहुत ही इजी है और बहुत क्विक बन जाती है। उसका कार्ड ऊपर डिस्प्ले हो रहा होगा, तो आप उसको जरूर चेकआउट करिएगा अगर आप हैं मैक्रोनी लवर्स। यहाँ पे टोटल मैंने 200 ग्राम्स मैक्रोनी को बनाया है। तो अब मैं इसकी प्लेटिंग करूंगी। ये मैंने एक बेकिंग डिश ली है, नॉर्मल बोरोसिल का बाउल है, और इसको आप बहुत सेफली कढ़ाई में भी प्री बेक कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपके पास अवन या ओटीजी अवेलेबल हो। तो इसके अंदर मैं इसको डालूंगी मैक्रोनी को। एंड फ्रेंड्स, बिलीव मी, आप आधी मैक्रोनी को बेक करिएगा और आधे को ऐसे ही खाइएगा और आप खुद जान जाएंगे कि इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है जब आप इसको बेक करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको सरल सात्विक में दिखाई गई रेसिपीज पसंद आती हैं तो प्लीज आप लाइक करें उसको, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज उसको सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें जिससे कि नई रेसिपीज का नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें। मैं इतनी ही मैक्रोनी अभी बेक कर रही हूँ, इतनी लेफ्ट आउट है, तो ये सफिशियंट है 3-4 पीपल के लिए। यहाँ पर है मेरे पास मोजरेला चीज, तो इसको और सुपर चीजी बनाने के लिए मैं इसके ऊपर ग्रेट करूंगी मोजरेला चीज। ये काफी कुछ आपको लजानिया वाला फ्लेवर भी देगा और टेक्सचर भी देगा। तो आप जितना चीज चाहते हैं उतना चीज आप इसमें एड ऑन कर सकते हैं। आप इसमें मशरूम भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे घर में मशरूम नहीं पसंद करते हैं तो इसलिए मैंने इसमें ऐड ऑन नहीं किया है। आप इसको अच्छे से स्प्रेड कर दें सभी चीज को।
को टॉप करूंगी ऑलिव्स के साथ। अगर आपके पास हैं तो आप जरूर लगाइएगा। स्प्रिंकल करूंगी चिली फ्लेक्स और अब हमारा ये रेडी है बेक होने के लिए। केयरफुली मैंने इसके नीचे एक प्लेट रखी है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आप कोई भी ऐसा ढक्कन या फिर कुछ रख सकते हैं जिससे कि आपका जो कंटेनर है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए जिस भी बर्तन में आप इसको बेक कर रहे हैं। बहुत केयरफुली आप इसमें रख दीजिए और बस 10 टू 15 मिनट्स के लिए इसको हम बेक करेंगे या फिर जब तक चीज हमारा मेल्ट ना हो जाए। करीब 12 मिनट हो गए हैं और हमारा चीज कम्प्लीटली मेल्ट हो गया है, तो मैं गैस की फ्लेम कर रही हूँ ऑफ और अब इसको बहुत केयरफुली, क्योंकि बहुत ज्यादा सुपर हॉट है ये, इसी किचन टॉप की हेल्प से इसको अभी भी चीज बिल्कुल बबल कर रहा है आप देख सकते हैं और कितना मॉइस्ट है ये अंदर से। फ्रेंड्स आप इसको एंजॉय करिए इन विंटर्स में और उन दिनों में जब आपका फुल मील बनाने का मन ना करे। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें।